लेकिन अभी 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 क्या हो गया, वही फेलो लोग फेल फेलो के पीछे मार रहे। तो आज के कोलकाता लव बर्डे पुरानो बचर और नतून बचर के एक संगे हमरा सेलिब्रेट करब, पुरानो बचर के विदाय देव और नतून बचर के आगमन जानाब बा वेलकाम करब। अनेक भलो खराब समय दिए हमारे पुरानो बचर गल এবং নতুন বছর হয়তো আমাদের অনেক ভালো খারাপের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে, এটা স্বাভাবিক। হ্যাঁ, তবে আমরা চেষ্টা করব সবাই আমরা একে অপরের পাশে থাকার, আমরা সবাই যদি একসঙ্গে মিলেমিশে থাকি তাহলে আমাদের যত বড়ই প্রবলেম বা সমস্যা আসুক আমরা একদিন সেটাকে ওভারকাম করতে পারব। তো এই অঙ্গীকার নিয়ে আমরা নতুন বছর শুরু করব, সবার সঙ্গে আমরা ভালোবাসা আন্তরিকতার সঙ্গে কাটানোর চেষ্টা করব এবং খারাপ ভালো যাই সময় আসুক না কেন দেখা যাবে। হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাইকে, হ্যাপি নিউ ইয়ার, অনেক আন্তরিকতা জানাই নতুন বছরের সবাইকে। आपके सामने सुमित दा, सुदीप दा, सब मिल के वेलकम करेंगे कोलकाता लव बर्ड पे। तो सुमित दा सुमित दा तो मतलब कितने के फ्रेंड्स कुछ नहीं था पिछले साल मेरे पास लव बर्ड, आपको पता था वो था मास ग्रुप और रोजी ग्रुप का था, पोगेस भी नहीं आया था, भरा हुआ है। नहीं भरा हुआ नहीं है लेकिन इतना गूंज है, इतना शोर शराब है कि हम लोगों का बात सुनाई नहीं देगा, इन लोगों का बात हम लोगों से ज़्यादा सुनाई दे रहा है। तो दैट्स मीन्स कि एक टाइम था जो कि लास्ट एक दो साल के अंदर आप इतना डेवलप किए, जो कि आपका जितना सारा चाहने वाला है जो लोग आपको वीडियो देखता है वो लोग भी काफ़ी सारा आपका वीडियो देख के भी इंस्पायर हुए हैं और आप भी धीरे धीरे इसमें और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो के इसको इतना छोटा जगह से इतना जगह में जो सफ़र था आज आपको पूरा देश भर में बहुत सारा जगह से बहुत सारा स्टेट से आपको बहुत कोई फॉलो करता है और जो लोग का भी बर्ड रखा भी नहीं था आपका वीडियो से इंस्पायर होके, नॉट ओनली फॉर आपका, बहुत सारा यूट्यूब चैनल ऐसा है जो लोग काम कर रहे हैं सभी का वीडियो देख के कम्युनिटी के हिसाब से हम लोग काम करके जो सभी को एक सीख मिला और सबको एक बर्ड्स के ज़रिए से हम लोग का जो बिज़नेस है वो भी काफ़ी डेवलप हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी मार्केट का इतना क्रेज़ है, नया नया इतना फैंसियर अभी मार्केट में आ गया है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि हम लोग एक बर्ड ब्रीडिंग जब शुरू किए थे आज से दो से ढाई साल पहले, उस टाइम इतना अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास नहीं था और इतना सोशल मीडिया का इतना पावर भी नहीं था। अभी एक क्या है कि आपके पास कुछ अच्छा बच्चा है, आप एक पोस्ट कीजिए तो तुरंत बिक जाता है। तो दैट इज़ द वे आउट आपके पास निकल के आ गया है कि अभी आपके पास जितना भी बच्चा हो लेने वाला आगे कोई ना कोई बैठा हुआ है। लेकिन पहले एक लिमिटेड एडिशन और लिमिटेड बजट तक ही आदमी लोग परचेस करता था उन लोगों के पास। अभी ज़्यादा डिमांड इतना हाई हो गया है किसी का पास बात, कलर म्यूटेशन मार्केट में जनरेशन वाइज चेंज हो गया। एक फिशरी था वाइल्ड में तो उसको कन्वर्टेड होते होते इतना जनरेशन में डिवाइडेड हो गया। तो आदमी लोग काफ़ी इसमें इंजॉय भी कर रहे हैं, बोर नहीं हो रहा है, जो लोग खरीद रहे हैं हर साल नया नया म्यूटेशन आ रहा है इसके ऊपर काम हो रहा है, वर्किंग भी हो रहा है, वर्किंग भी हो रहा है, तो आदमी लोग बोर नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से क्या है मार्केट अभी बहुत अफ्रीकन क्लब बर्ड का अगर देखा जाए तो उस हिसाब से बहुत सारा वे आउट है। आप लोग अर्निंग अगर कोई इसमें से अर्निंग का भी सोच रहे हो तो इसमें से डेफिनेटली आपका एक फैमिली को आप मतलब आपका वही बात हो गया, लर्निंग के साथ अर्निंग भी चालू हो गया है। बिल्कुल सही है दादा कि लर्निंग के साथ आपको अर्निंग दोनों ही मिलेगा आप अगर इसको सीरियसली लेते हो। ऐसा नहीं कि आप दो, मेरे को शौक है हम दो पेयर बर्ड्स आए लेके छोड़ दिए। ये प्रोफेशन में आने के लिए जैसे एक बिजनेसमैन जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बिजनेस राइट
आपको सोचना पड़ेगा, वही हिसाब से आपको पूरा पेशेंस रखना पड़ता है। एक साल दो साल आउटपुट निकलेगा, 100% निकलेगा। आप अगर डिमोटिवेटेड नहीं होते हो एकदम एकदम, कोशिश करते रहिए आज नहीं तो कल, क्योंकि देखिए आपको पहले उसका डाइट जानना होता है, उसका केयर ट्रीटमेंट जानना होता है, तो उसी को आपको सीखते सीखते ही तकरीबन 2-4 साल लग जाता है मेरे हिसाब से। लेकिन हम लोग भी इतना साल से तकरीबन, मेरा पापा जो था उस टाइम से ब्रीडिंग फील्ड में हम लोग देखे हैं कि पापा बजू एंड अफ्रीकन लवबर्ड में जैसे देखा जाए तो रोजी कोली उस टाइम यही सब चलता था। हाँ, तो यही सब को देखते हुए अगर हम लोग देखेंगे तो उस टाइम में क्या था, एक अलग ट्रेंडिंग था, अलग ट्रेंडिंग था। अभी म्यूटेशन आ गया, हाँ ट्रेंडिंग है, हाँ वो यंग जनरेशन ये लोग ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। दादा ये यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इस साल तो आपने जो चीक्स दिखाया हम लोग का सीना चौड़ा हो गया है, हाँ। लेकिन हम सबका एक डिमांड है आपके पास दादा, जो नेक्स्ट साल दादा आपके पास हम लोग पेल फेलो देखना चाहते हैं दादा, ये हम लोग का डिमांड है दादा, पेल फेलो इसके बाद दान फेलो आप ही है हम लोग का, मतलब ये आपके पास बीट होगा दादा और आप सक्सेसफुली इसको इंडिया में लॉन्च करके इसको बीट करिए दादा, ये हम सभी का दादा डिमांड है आपके ऊपर दादा। अविनाश दा आप जो डिमांड किए हैं डेफिनेटली आपका बात सारों के ऊपर, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर हम इसको, क्योंकि और कोई दादा म्यूटेशन है नहीं दादा, हाँ जिसका आपने बीट नहीं किया बा जिसका आपने सक्सेसफुली बच्चा नहीं उठाया, और आप जो वे दिखाया जो तरीका दिखाया, हम लोग सभी हाई म्यूटेशन लाभबर ले आते हैं लेकिन हम लोग बच्चा उठा नहीं पाते दादा, मैं भी कभी था मेरा बच्चा एक्सपायर किया, आज ही एक ऑफलाइन का चीज मेरा पास एक्सपायर किया, लेकिन ये आपका पास भी हो रहा है सबका पास होता था, लेकिन ये ना हो आपने फॉस्टरिंग ब्लूडर हैंड फीडिंग ये सबका सपोर्ट देके दादा आपने ये मतलब दिखा दिया हम सभी को जे इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, ये हम लोग आपसे सीख रहे दादा। जो सुमित दा का एक्चुअली जो ब्रीडिंग है उसका एक्यूरेसी लेवल मोर देन 95%। देखिए मोर्टालिटी लेवल सबके पास है, हम ये बात मतलब सुमित दा भी एक्सेप्ट करेगा, जो नहीं उसका हाथ में भी एक दो चीक इधर उधर हुआ है, आपके हाथ में भी हुआ है, मेरा हाथ में भी हुआ है, मेरा तो छोड़िए चलिए एक क्लास तो बर्बाद हो गया, ये बात अलग है, लेकिन सुमित दा का इस बार जो है मोर देन 95%, छोड़ दीजिए 95%, हम तो बोलेंगे मोर देन 99% एक्यूरेसी लेवल, उनका जितना मतलब ये था एफोर्ट था वो सक्सेस। हाँ एक्चुअली दादा पिछले साल सुमित दा को समझ में आ गया था जब उन्होंने इंडिविजुअल बीट ले रहा था दादा, हाँ। जो हाई म्यूटेशन लाभ पर जितना हाई म्यूटेशन होगा उनका ब्लड लाइन उतना वीक है, उतना मदर फीड पे बा अगर नॉर्मली हम बीट करेंगे तो बच्चा हम नहीं पाएंगे। नहीं 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 फीडिंग का बात कुछ अलग हो गया, देखिए बच्चा उनका एक चीक्स जब निकल के मतलब वो फ्रे में आएगा तब जाके उसको सक्सेस ब्रीडर हम बोलेंगे, तो जैसे भी हो नहीं हम मानते हैं, नहीं वो नहीं बोल रहे दादा, लेकिन हम लोग भी तो बीट करने का कोशिश करते कभी सा फैंस है, लेकिन हम लोग फेलियर हो रहा था दादा, एक्यूरेसी लेवल कम है। आप एक बॉक्स में 5 अंडा है उसमें से आप 3-4 निकाल लीजिएगा तो उसमें से आपको 70-80% एक्यूरेसी लेवल, 100% मतलब 10 बॉक्स लगाइएगा तो 10 में से 50 अंडा रहेगा, तो उसमें से 40-45 जो जितना सीनियर बीडर उसका एक्सपीरियंस उतना हाई है उसका एक्यूरेसी लेवल भी उतना है हाई है, इसलिए सुमित दा का 98% मोर देन 98% उसका एक्यूरेसी लेवल हम लोग सीखेंगे सुमित दा के पास, हाँ। सुमित दा एक हो गया ना जो आइकॉन आइकॉन, तो एक्चुअली हम लोग सुमित दा को पूछेंगे दादा हमको भी एक्यूरेसी लेवल बढ़ाना है तो आप बोलो थोड़ा सा टिप्स दे दो थोड़ा सा गाइडेंस दे दो, तो हम तो सबको बोलते हैं जो सुमित दा को फोन करो, सुमित दा का पूरा दिन फोन करके उसको फोन नंबर तो सबके पास नहीं है, हम बोल रहे हैं जो उनसे एक्सपीरियंस लो, जो एक बंदा वीडियो फॉलो करना पड़ेगा, एक बंदा जो 98% एक्यूरेसी लेवल और ये मेरा कभी खुशनसीब भी है ये सुमित दा, देखिए लोगों को क्या होता है 2-4 अगर बार्स हो जाता है एक्सपेंसिव वो छुपा के रखता है बा सब किसी को अलाउ नहीं करता, सुमित दा इतना टाइम मुझे अलाउ करते हैं, हर कुछ चीज़ दिखाते हैं ए टू जेड पूरा वो हमको दिखाया, 365 डेज चैलेंज दादा, ये नथिंग ऑफ मतलब जोक्स नहीं है कोई, तो एक कभी बड़ा बात है दादा, ये मैं कभी खुशनसीबी है जो कोलकाता लव बर्ड को मैं बोलना चाहूँगा हर एक व्यूअर को, ये हम लोग का खुशनसीबी है जो दादा इतना कुछ भी इतना ईजीएस प्रोसीजियर से बस सब कुछ इतना ईजिली दिखाता है, कोई दिखाता नहीं है, दिखा रहे वो न्यू फैंसियर को एनकरेज कर रहे हैं, बोले जो तुम करो करो, हाँ जो हम कर सकते हैं तो तुम काहे नहीं कर सकते, तुम नहीं काहे कर सकते। मेरा जो मोटिव था कि बहुत सारा आदमी का कहना था कि हाई म्यूटेशन का बर्ड ये वेदर पे सर्वाइव नहीं करता है, तो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि मेरा जो एवियरी है बस जगह थोड़ा सा बड़ा है, अदरवाइज जो डेकोरेशन है एज इट इज़ नॉर्मल यही टीन का सेट है, इसी को यूटिलाइज करके इसी जगह को यूटिलाइज करके नॉर्मल से नॉर्मल टेम्परेचर में बर्ड्स को रख के
उसका डाइट को प्रोक्योर करके हम लोग उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे ब्रीड लिया जाए, इसका बारे में मैं बहुत टाइम सोचा, बहुत सारा आर्टिकल हम इसमें कुछ देखा, बहुत आपने स्टडी किया। तो मैं कुछ लास्ट ईयर में एक फेसबुक में सडनली मेरे पास एक वीडियो आया जहाँ पे टेम्परेचर माइनस कुछ 16 और 17 डिग्री था, जहाँ पे बर्ड अफ्रीकन लव बर्ड एज़ यूजुअली वो फ्लाइट केज में फ्लाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोगों के यहाँ पे 10 डिग्री भी आ जाता है तो हम लोग बर्ड्स को पूरा कवर करके रखते हैं। तो हाँ, ये एक कॉमन मिथ है कि हम लोग बर्ड्स का न्यूट्रिशन को वैल्यू नहीं देते हैं। मोर थिंग्स कि हम लोग एक कॉमन थिंग्स है, विंटर में हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है और साथ में हीट भी जनरेट होता है बॉडी में। हम लोग जो खाना खाते हैं लाइक वेजिटेबल हो गया, जो भी हम लोग का डेली न्यूट्रिशन होता है वो ऑयल बेस्ड जैसे ही होगा तो आपका बॉडी को टेम्परेचर क्रिएट होगा। तो उस हिसाब से हम लोग भी बर्ड्स को, वो मैं मोर्टेलिटी को थिंक किया कि इसका बर्ड कैसे सर्वाइव कर रहा है माइनस 17 में, और हमारा यहाँ पे 20 डिग्री भी आता है, 10 डिग्री आ जाता है तो हम लोग इसको कवर कर देते हैं। लेकिन हम लोग को कवर करने का ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बर्ड्स का ऑटोमेटिकली बॉडी में फेदर रहता है, वो अपने पावर जो है उसको बनाने से उसका बॉडी में ऑलरेडी इनबिल्ड होता है। हाँ, बस आपको क्या करना है, उसको ग्रो करना है, मतलब उसको आपको ऐसा डाइट देना है ताकि बर्ड्स वो टेम्परेचर क्रिएट कर पाए और केज में आपका ऐसा खाना रहे जिसको खा के वो बॉडी को अपना हीट रख पाए। दैट मीन्स दैट ऑयली कॉन्टेंट ऑफ फीड आप रख सकते हो। मॉर्निंग में अगर आप सॉफ्ट फूड यूज़ कर रहे हो तो सॉफ्ट फूड में आप एक फूड डाल सकते हो, कोई भी एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन यूज़ कर सकते हो, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, बहुत सारा वे आउट है कि ऑयल आपको सोर्स ऑफ वे है। आप जब बर्ड्स को प्रॉपर वे ठंडी का, क्योंकि हम लोग जब बर्ड्स को ब्रीड कराते हैं देखना पड़ेगा कि कौन सा वेदर पे ब्रीड करता है। ठंडी का वेदर में ब्रीड कर रहा है तो ऑब्वियसली हम जब फैट कंटेंट हाई रखेंगे और प्रोटीन को अप कर देंगे, प्रोटीन लेवल को, अगर आपका बॉक्स के अंदर 6, 5, 6, 4 एवरेज में है तो बर्ड्स अगर प्रॉपर डाइट आपको उसको मिल रहा है तो अपने बच्चे को भी जल्दी जल्दी वो फिट करा देगा। तो उससे क्या होगा, प्रोटीन और फैट लेवल कंटेंट हाई होने के कारण बर्ड्स भी आपका जल्दी जल्दी ग्रोथ होके अच्छा सा ग्रोथ लेके बाहर आ जाएगा, सेल्फ फिट हो जाएगा। और एक चीज़ बर्ड्स का, खाली आप अगर जैसा कि होता है कि बहुत कोई बोल रहा है कि कांगनी दाना ओनली सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, आप अगर ओनली कांगनी दाना आप अगर बर्ड्स को प्रोवाइड कर रहे हो दैट मीन्स वो जिंदा रहने के लिए खा रहा है, ठीक है ना। और बर्ड्स को इससे कोई डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, आप अगर सनफ्लावर दे रहे हो, कुसुम दे रहे हो, हाँ डाइजेशन हो सकता है कि बर्ड्स का अगर छोटा बेबी है, ओवरडोज किसी भी चीज़ का क्या होता है कि आप बर्ड्स को कोई भी अगर बड़ा टाइप का चीज़ दे रहे हो सीड में तो उसको आप कोशिश करें उसको रात में भिगो दें, आपका सॉक सीड के साथ ही ऑयली कंटेंट का जिसका सनफ्लावर है, कुसुम है, बाजरा है, जो जैसा ब्रीडर यूज़ करता है जिसका बर्ड हैबिचुएटेड है वो उस हिसाब से उसको थोड़ा भिगो दें, पानी में डिप कर दें फॉर द 16 to 18 आवर्स, मैक्सिमम 24 आवर आप भिगो देंगे तो अच्छा होगा, अगर नहीं भी है तो 12 से 16 घंटा के अंदर भाई उसको डुबो देंगे तो नरम हो जाएगा उसे। सुबह में जैसे ही आप बर्ड्स को देंगे तो प्रॉपर फीड करेगा। पर हम लोगों को और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि बर्ड जैसे ही आपका ब्रीडिंग सीजन में आ रहा है, बर्ड्स का जैसा ही चिक्स हैच हो रहा है तो बहुत कोई नियोपेप्टाइन यूज़ कर रहा है, उसको तरह तरह का मेडिसिन यूज़ कर रहा है, ये जबकि ज़रूरत ही नहीं है बर्ड को, क्योंकि आप उसको न्यूट्रिशन से कवर कीजिए, दवाई का उतना खास करके उसको ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, दवाई में आप यूज़ कर सकते हैं, कोई सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, वो आपका अलग बात है, लेकिन जो चीज़ हम सप्लीमेंट से ले रहे हैं वो चीज़ आप पेड़ पौधा, सब्जी, फ्रूट, वेजिटेबल से भी कलेक्ट कर, नेचुरल सोर्स जो आप बोल रहे हैं, नेचुरल सोर्स से ही तो वो सप्लीमेंट, हाँ ये सप्लीमेंट तैयार होता है, काफ़ी साइड इफेक्ट होता है, केमिकल भी होता है, केमिकल होता है। लेकिन हम लोग अभी क्या हुए, एक बहुत इजी वे में हम लोग ढूंढ के लेके आने से अच्छा है कि हम लोगों को एक जगह में, अगर हम लोग पढ़ते भी नहीं किस में क्या सोर्स है, हम लोग गाजर खरीद लेते हैं उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा मिला के हम लोग सोचते हैं कि बस इसमें मेरा ब्रीडिंग अच्छा आएगा। खाली सप्लीमेंट देने से अगर ब्रीड अच्छा हो जाता तो सभी कोई सप्लीमेंट खिला के 5-6 बच्चा वो सिर्फ आपको 10% तक आपको बूस्टअप करता है, करेक्ट आपको ओनली 10% ओनली हेल्प करता है, बाकी का जो आपका न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आपको डाइट से ही कंप्लीट करना पड़ेगा।
बहुत कोई फोन करके नया फैंसियर बोलता है दादा हम कौन सा सप्लीमेंट यूज करें, इट्स टोटली रॉन्ग। आप सप्लीमेंट पहले ही ना यूज करें, आप मुझे मत फॉलो करें, क्योंकि मेरे को अंदाजा हो गया कि मेरे को न्यूट्रिशन वैल्यू कितना कौन सा सीजन में क्या चाहिए। तो आप अपना हिसाब से अपना बर्ड्स को हैबिचुएटेड कीजिए, उसके हिसाब से आप बर्ड्स को उसका इम्यून को बूस्टअप करें। और हाँ, और एक चीज़, ब्रीडिंग सीजन में, थ्रू आउट ब्रीडिंग सीजन में कभी भी आपका विटामिन कैल्शियम चेंज ना करें, क्योंकि बर्ड का इम्यून में काफ़ी सारा डिस्टर्ब हो जाता है, बर्ड स्ट्रेस में चला जाता है। उस हिसाब से आप अगर ब्रीडिंग सीजन में विटामिन एंड कैल्शियम हर बार चेंज कर रहे हो डे बाय डे, तो बर्ड का इम्यून क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, बर्ड क्या होगा, स्ट्रेस में चला जाएगा उस टाइम। तो बर्ड्स को ठंडी में हमेशा एक ही चीज़ बोलूँगा, ठंडी में आप ऑयली शीट प्रोवाइड करें। अगर बॉक्स में आपका चिक्स है, तीन चार छोटा छोटा चिक्स है, तो उसको थोड़ा नरम करके खाना दे, और नरम टाइप का खाना दे। और आपको इजी वे में बता सकता हूँ कि और इजी होगा, आप लोग अगर खरीद के कुछ नहीं खिला सकते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव आप नहीं कर सकते, तो बॉयल राइस, उसमें ए टू जेड मल्टीविटामिन, जो कि बच्चे लोगों का ह्यूमन मेडिसिन होता है, ए टू जेड सभी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है इजीली। आप उसको बॉयल राइस के साथ पंच करके, थोड़ा सा आपका बर्ड्स का क्वांटिटी के हिसाब से पंच करके, पूरा राइस में अच्छे से उसको ये करके, आप पूरा बर्ड्स को थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में दोपहर के टाइम आप यूज़ करा सकते हो। तो उससे बर्ड्स का जो न्यूट्रिशन का जो खानियाँ रहेगा वो भी पूरा हो जाएगा। हाँ, एकदम सही बात है, ये मैं भी सपोर्ट करता हूँ सुमित दागा, जो ये जो चीज़ है, इससे आपका चिक्स काफ़ी अच्छा ग्रो होगा, मॉर्टिलिटी लेवल आपका काफ़ी कम हो जाएगा, प्रेशर भी उससे क्रिएट होता रहेगा, विटामिन का। देखिए, हाँ देखिए फ्रेंड्स, आप सबसे ये सब शेयर करने का एक ही मकसद है, मेरा काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस आ रहा, सुमित दागा काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस आ रहा, सुविधा का भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस आ रहा, लेकिन हम लोग चाहते हैं हम सभी का प्रोग्रेस अच्छा हो फ्रेंड, इसी वजह से फ्रेंड हम लोग इतना टाइम देके वीडियो बनाते हैं, और कुछ नहीं, हम लोग सभी दिल से चाहते हैं। अगर अकेले रास्ते में चलेंगे तो ये रास्ता जो है काफ़ी आपको ऊंचाई नज़र आएगा, लेकिन वही काम अगर 10 आदमी मिलके हम लोग एक जगह करेंगे कम्युनिटी बेस पे, तो आगे जाके हम लोग को बहुत हेल्पफुल होगा सभी के लिए, एक दूसरे का हम सभी हेल्प कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे को खिंचाई कर रहे हो, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ अगर कोई गलत है तो उस जगह पे आप इनडायरेक्टली उसको आप मेंशन कर सकते हो कि हाँ हाँ आप ये जगह में ये गलत बोलो, तो आपस में आप कन्वर्सेशन करके इसको शॉर्ट आउट कर सकते हो। इसका मतलब नहीं है मेरे को खुद मालूम नहीं है, हम दूसरे को बता रहे हैं, सही है, मेरे को खुद पहले जो नॉलेज होना चाहिए कि हम एक वीडियो में जहाँ पे 30,000 से 40,000 आदमी आपको फॉलो कर रहा है, एक चैनल में कौन सा स्टेटमेंट देना चाहिए, उसमें कौन सा स्टेटमेंट जहाँ पे आपको 30,000 से 40,000 के बीच में जाए, मेरे को कोई किसी से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो उससे क्या होता है कि आपको 30,000 से 40,000 जो आदमी नया फैंसियर उसमें देखेगा, जो पुराना है उसको मालूम है उसको क्या करना है नहीं करना, वो आपका किसी के बाद में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा वो, क्योंकि मेरे को अगर कोई आज बोलेगा कि दादा आप ये करो वो करो, हम नहीं सुनेंगे, हम देखेंगे सबका लेकिन इम्प्लीमेंट करेंगे खुद का, ये एक कहावत है, आप देखो सबका लेकिन आप अपना बर्ड्स को और आपका चीज़ को कैसे प्रोक्योर करोगे ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ना ही कोई मेरे को बताएगा, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर आप अगर थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लोगे तो आप लोगों का भी देखना चिक्स का मोर्टेलिटी। और एक कॉमन चीज़, ये ठंडी का विंटर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रहा है आदमी का, कि दादा पेरेंट्स तो खिला रहा है फिर भी बच्चा मर जा रहा है, इसका कॉमन सा चीज़ है, आप लोग कभी नोटिस किए नहीं हो, बहुत कोई नोटिस नहीं किया, क्यों मर रहा है, फीट प्रॉपर मिल रहा है, छोटा बच्चा है फीट प्रॉपर मिल रहा है फिर भी मर जा रहा है, बच्चा भी बैलेंसिंग करके रखा फिर भी मर जा रहा है दादा, इसका एक ही रीज़न है, बहुत कोई वो क्या बोलते हैं आपका यहाँ पे जो डालता है वो फीडर लगा देता है, हाँ वाटर फीडर, तो वो उसका टेम्परेचर क्या होता है बहुत नीचे चला जाता है, सुबह में वो क्या करता है जल्दी जल्दी उसको फोर्स रहता है कि बच्चे को जल्दी जल्दी कुछ भी सामने मिले खा के, अगर सीट रहेगा तो सीट खाएगा, सीट खाने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी इंटेक करेगा क्योंकि उसको नरम करने के लिए, फिर वो जाके बच्चे को खिलाएगा, तो पानी जो है वो तो ऑलरेडी ठंडा है, फिर वो जाके जैसे ही बच्चे को खिलाएगा बच्चे का ठंड लग के बच्चा एक्सपायर कर रहा है, ये मैक्सिमम सोर्सेस पे है, ये एक प्रॉब्लम बहुत कोई, जो लोग रात में पानी नहीं निकाल रहे मैं उन लोगों को बोलूँगा आप लोग रात में पानी निकाल के बर्तन निकाल करके सुबह में 10 बजे 11 बजे 12 बजे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ठंडी का मौसम में बर्ड उतना पानी नहीं पीता है, हम लोग जो वेजिटेबल यूज़ करते हैं उसी से पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत कोई को मालूम नहीं है, हम दो दो दिन में एक बार वाटर यूज़ कर रहे हैं विंटर में ओनली, अब गर्मी में कोई ये ना करे, ठीक से सुन ले जो लोग, स्किप ना करें,
विंटर सीजन में हम एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दे रहे हैं, तो दैट्स मीन्स मेरा बर्ड डिहाइड्रेट नहीं हो रहा है। वाई? क्योंकि मैं उसको प्रॉपर वेजिटेबल, उसका जो वेजिटेबल के अंदर सॉल्युबल फाइबर जो मिनरल होता है वो उसका बॉडी में जा रहा है और उसके साथ पानी के साथ जा रहा है, और बॉडी में अगर ओवर मिनरल हो गया, ओवर फाइबर हो गया, तो बर्ड एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम उसको, क्योंकि जिसका पास बच्चा है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर को इंटेक करेगा, पानी इंटेक करेगा, तो उसमें क्या होगा, उसका बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लोड हो जाएगा। तो बर्ड क्या होगा, ज़्यादा फाइबर हो जाने के कारण बर्ड या तो लूज मोशन, क्योंकि बर्ड्स को आप रॉ वेजिटेबल दे रहे हो उसमें तो सॉल्युबल फाइबर काफ़ी ज़्यादा है, प्रोटीन लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तो एब्जॉर्ब का होना भी तो चाहिए ना। अगर एब्जॉर्ब नहीं होता है तो उस हिसाब से अगर आप वाटर को आप कम कर दोगे तो उससे क्या होगा, आपका काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों का अगर नॉलेज है तो आप लोग एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ कर सकते हो, लेकिन ना ही करें तो बेटर है, प्रॉपर एक्सपीरियंस होने के बाद ही करें। ये मेरा एक्सपीरियंस था तो मैं शेयर किया, मैं ये करता हूँ नेचुरली विंटर सीजन में। थैंक यू सुमिता को, देखिए सुमिता के पास जाएंगे, ठीक है, लव बर्ड के ऊपर हम लोग और भी काम करेंगे। फ्रेंड्स मैं जैसे एक चीज़ मैं बोल दे रहा हूँ, हाँ। जैसे देखिए आपका बर्ड का ग्रोथ अच्छा हो रहा है, ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा के, हाँ। एक टॉपिक बना के एक बर्ड्स का जो, फिर भी मैं एक्सेप्शनल एक बता दे रहा हूँ कि बर्ड्स का एक हेल्दी ग्रोथ है। बर्ड्स जैसे ही देखना बड़ा होता है उसका बॉडी में प्रॉपर फेदर होगा, प्रॉपर शाइन करेगा, और बर्ड्स को आप जब हाथ में पकड़ोगे, उसका हाथ आपके ऊपर रखोगे, उसका जब फेदर आना स्टार्ट होगा वो देखना पूरा गोल टाइप का होता है, लाइक कैंपिस बॉल, कैंपिस बॉल की तरह गोल होता है, और उसका जो फेदर होता है जो छोटा छोटा रूही, वो देखना पूरा बॉडी में फुला हुआ होता है, पूरा सजा हुआ होता है, दैट मीन्स उसका ग्रोथ, ऑयली कंटेंट बॉडी में, हाँ। फैट कंटेंट। एक चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम लोग अगर खाली कार्बोहाइड्रेट बर्ड्स को देंगे तो उसका मसल एंड बोन, ह्यूमन में भी सेम चीज़ है, अगर आपको मसल एंड बोन स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको माइंड एंड मसल के लिए आपको क्या चाहिए, हेल्दी सोर्स ऑफ फैट। तो आपको एनिमल पे बेस ऑफ वे से भी आ सकता है, एनिमल प्रोटीन से भी आप ले सकते हो हेल्दी फैट, या फिर प्लांट बेस से भी ले सकते हो, बहुत तरीके से आप हेल्दी ऑयल को ऐड कर सकते हो आपका डाइट में। तो इससे क्या होगा, बर्ड का फेदर क्वालिटी और जो ग्रोथ होगा ये काफ़ी अच्छा होगा। आप लोग भी, अगर फैट कंटेंट कम होगा तो बर्ड्स का ग्रोथ जो है बहुत स्लो हो जाएगा। हाँ, बर्ड्स खाली कार्बोहाइड्रेट देने से ऐसा नहीं है कि बर्ड्स बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा, उसका ग्रोथ जो है, जो जहाँ पे हम लोगों का बर्ड्स, हम लोगों को प्रेशर बहुत रहता है ब्रीडिंग सीजन में, तो हम लोग क्या करते हैं कि बर्ड्स को जल्दी जल्दी न्यूट्रिशन वैल्यू उसको हाई करके उसको जल्दी जल्दी उसको बाहर निकाल के आए, जो पेरेंट्स फीडिंग में मेरा होता है। तो उसको प्रोटीन लेवल जैसे ही हम हाई कर देते हैं तो बर्ड जहाँ पे आपका 50 दिन में बड़ा हो रहा था, सेल फिट हो रहा था, वो 35 डेज में और 238 डेज में बड़ा होकर सेल फिट हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है आपका, अगर डाइट अच्छा होगा। हाँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम देखें 38 डेज में बर्ड आके बाहर आके खाना चालू कर देता है खुद ब खुद। हाँ, आप थोड़ा और पेशेंस के लिए आप उसको और 10 दिन रख सकते हैं केज में पेरेंट्स के साथ, ताकि मोर्टेलिटी ना आए फिर बाद में, अच्छे से खाना सीख जाए फिर सेपरेट कर दीजिए। तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा ये कॉमन चीज़ है, आप लोग भी नोटिस करें, अगर मेरे पास आ रहा है तो आप लोगों के साथ भी आएगा डेफिनेटली। और मेरा जो एक्चुअल काम था, मेरे को दिखाना था कि इजी से इजी वे से भी हम लोग अर्निंग कर सकते हैं बर्ड्स ब्रीडिंग में। और जैसा अविनाश दा का कुछ वीडियो पेंडिंग है, जैसा वो छोड़ेगा, हाँ। तो आप लोगों को और सारा चीज़, हाँ। देखने को मिलेगा। एक्चुअली क्या हाँ। एक ही चैनल है, हाँ, तो सब कुछ एक साथ नहीं दे सकते, वन बाई वन देंगे। तो लाभबर्ग का भी कुछ अच्छा चिक्स आया था, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था जो आपके साथ शेयर करूँगा, इसलिए सुनीता सुदीप्ता को दिखाया। और सुदीप्ता को पूछेंगे, दादा आप प्रोग्रेस कब दिखाएंगे? हम तो दादा विद इन मार्च। सुदीप दा का फैंस इस साल लाभबर्ड के साथ गोल्डन के भी चिक्स दिखाएंगे, काफ़ी अच्छा चिक्स, एकदम मतलब वायलेट सिल्वर का जो आपको दिखा रहा है इस साल चिक्स आ गया है फैंस। हाँ, काफ़ी कुछ सरप्राइज है, सुदीप दा का सेटअप पे हम जाएंगे काफ़ी जल्दी, आपके साथ शेयर करेंगे। तो ठीक है फैंस, आज का पार्ट यही पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग का जानने को भी मिला, थोड़ा लंबा हो रहा है, जिसके पास जो लोग सीखना चाह रहे हैं ये उन लोगों के लिए है। अगर किसी को लग रहा है कि हमारा वीडियो देख के आप लोगों को हेल्प हो रहा है तो डेफिनेटली आप लोग देखिए, स्किप मत कीजिए, तो लाइक कीजिए, अगर बोर हो गया तो डिसलाइक कीजिए डेफिनेटली। हाँ। हम ये नहीं बोलेंगे जोर जबरदस्ती नहीं है, आपको अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए, वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। हम बस ये देखिए फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको लास्ट में कहूँगा, हाई म्यूटेशन लाभबर्ड हाई प्राइस देकर खरीद के ले आना ये बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात है हाई नॉलेज। हाई नॉलेज के लिए आपको बोरिंग चीज़ देखना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। एक्चुअली जो है हम
हाँ। लोग क्या होता है जो हम लोग लवबर्ड का प्यार लाते हैं उसके बाद उसका बच्चा भी उठाता है, वो तो सब करता है हाँ। लेकिन अबव 98% एक्यूरेसी एक आदमी करता है, वो है सुमित्रा। तो उससे बहुत कोई यहाँ पे हम लोग का ब्रीडर है जो लोग कर रहे हैं, शायद वो लोग चैनल में नहीं है, लेकिन देखिए आप अगर ऐसा काम कर रहे हो जो छुप छुप के करना पड़े तो मत करो ऐसे, नहीं मत करो, बात छुपाने का चीज़ नहीं है ना बात, ये हम जब दिखाएंगे आदमी एक बर्ड को, अगर एक्सपेंसिव बर्ड हुआ तो उसको दिखाने के लिए डरता है। हम कभी भी कोई नया फैंसियर भी जाता है हम मेरा एवियरी में लेके जाते हैं, पहले क्या क्या एक थिंकिंग था कि वो आ रहा है दैट मीन्स ही इज़ वायरस, तो मैं उसको बाहर रखूँगा वायरस, बट वो वायरस नहीं है, वो मेरे लिए कस्टमर है, कस्टमर मीन्स वो मेरा अन्नदाता है, वो आ रहा है मीन्स वो मेरे से कुछ बर्ड्स परचेस करेगा तो वो मेरे को पैसा दे के खरीदे। ये आपने ना सही बात बोला था, एक बात मैं आपको टोक रहा हूँ, काफ़ी सारा जगह में पहले जाता था दादा, ब्रीडिंग सेटअप में जाने नहीं रहता था, बाहर एक केज रख के अपना चिक्स को रखता थे। हाँ भाई हंस रहा है क्यों, भाई को भी पता है मेरा साथ काफ़ी जगह पर भाई गया था, मैं बोल रहा हूँ सेटअप पे नहीं लेके जाता था दादा, इसका कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ। अगर कोई वायरस है उससे आपका बर्ड्स को कुछ इफेक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आपका एवियरी में अगर प्रॉपर टेम्परेचर है, सनलाइट प्रॉपर वे में आ रहा है, वहाँ पे बैक्टीरिया और जर्म्स का जो पैदावार होता है वो बहुत कम हो जाता है, 90% कम हो जाता है, तो उस हिसाब से वो बंदा मेरे लिए वायरस नहीं है, मेरे को मेरा एवियरी प्रॉपर क्लीन रखना पड़ेगा, वो कहाँ से आ रहा है दैट डजंट मीन, मेरे को उसका हाँ बस ये ध्यान रखना है कि उसका पैर और हाथ उसको कब सैनिटाइज कर ले, क्योंकि अगर वो बर्ड उसका हाथ में अगर कोई जम्प है वो हाथ से पकड़ा उसको पसंद नहीं आया वो आपका केज में छोड़ गया, कैसे आप उसका हाथ में अगर कोई वायरस था वो आपका उसका बॉडी में चला गया वो फिर स्प्रेटेड कर देगा, ठीक है, बस ये हाथ और पैर को ओनली सैनिटाइज करें, या फिर आपका चप्पल जो है बाहर का वो जूता कुछ भी पहन के उसको आप चेंज करा के अपना एवियरी का चप्पल या जूता पहना के अंदर लेके जाए। और जो चीज़ है कि बर्ड्स का अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिख रहा है कि आ रहा है तो बर्ड्स को तुरंत आप सेपरेट कर दीजिए, अगर इनके सब डेट अगर नहीं ये पे यही पे मैं बोलना चाहूँगा दादा, देखिए बर्ड्स जब है दादा बीमारी भी है प्रॉब्लम भी है, लेकिन हम उतना हम उतना तक जानते उसका सोल्यूशन जानने का हम कोशिश नहीं करते, हम लोग लोगों को हम लोगों को आने नहीं देंगे, लोगों को आने मतलब हमारे पास सभी आते हैं। देखिए एक चीज है दादा, तो आप कोई अगर मार्केट से कोई भी नॉट ओनली फॉर वर्ड्स, आप मार्केट से कोई अगर 10,000-5,000 का चीज़ खरीदते हो वो आप चेक करके नहीं लोगे, उसका अगर बर्ड्स है तो उसका पेरेंट्स हम देख के नहीं लेंगे हाँ। आदमी कैसे ट्रस्ट करेगा, उसका पेडिग्री देख के और उसका पेरेंट्स देख के कि दादा इसका कस्टमर आएगा तो बोलेगा दादा इसका पेरेंट्स क्या था, तो हम उसको क्या दिखाएंगे हाँ। हम उसका वीडियो कॉल करके दिखाएंगे हाँ। वो तो मेरा घर पे ही आप बोले स्प्लिट ऑफलाइन है स्प्लिट पार बोल रहे तो पेरेंट्स को तो दिखना पड़ेगा आपको, पेडिग्री दिखाना पड़ेगा आपको, पेडिग्री दैट मीन्स डेटा कीपिंग, आप वो सच भी है या झूठ है वो भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बोलने का बात है स्प्लिट ऑफलाइन बोल दिया हो तो एक साल बाद देखा जाए वो भी ब्रीडिंग के बाद, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज है हम तो बेच दिए उसको वो पैसा भी दिया, लेकिन वो जो शौक से आया था जो सोच के आया था वो नेक्स्ट ईयर में फेलियर हो गया एकदम, सही है ना, तो उस हिसाब से जो चीज़ हम अगर किसी को दे रहे हैं बेच रहे हैं तो प्रॉपर उसको जानकारी दे के दे ताकि उसको भी आगे जाके कोई दिक्कत ना फेस करना पड़े, सही बात है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कम्युनिटी को सभी मिलके ग्रो कर रहे हैं ना कि नीचे लगे, क्योंकि आज अगर एक बंदा डिमोटिवेटेड होता है तो एक बंदा फील्ड से आउट हो गया दैट मीन्स आप उसको हेल्प नहीं किया आप उसको आउट कर दिए मार्केट से, यही मार्केट में अभी चल रहा है, और हम लोग को लगता है न्यू फैंस या जितना स्ट्रांग होगा जितना आगे जाएगा फैंस आगे जाके हम लोग उतना ओल्ड ब्रीडर जो है पुराना ब्रीडर है उनका तभी फैंस देखिए अभी तरक्की होगा रियल में, जितना हम देखें नया नया फैंसी आ रहा है दे ऑल आर एजुकेटेड पीपल, मैक्सिमम दे आर ऑल आर एजुकेटेड पीपल, एकदम ठीक बोला आपने। परसों मेरे पास एक पुलिस आया था हाँ ऐसा ही हम आपको बोले थे हाँ, तो हम कहाँ कहाँ है नहीं है हम डिटेल्स नहीं बोल रहे हैं, तो आया था तो मेरे को कुछ बर्ड्स लेने के लिए इंस्पायर किया, वो बोला दादा हम तो बहुत दिन से आपका चैनल कोलकाता लवबर्ड फॉलो करते हैं आपका नंबर नहीं मिल पा रहा था, तो हम तो सोचे थे कि हम ऐसे ही आ जाए गूगल में सर्च करके पूछ के आपका घर आ जाएंगे, तो जो भी है मतलब वो आ रहा है दैट्स मीन्स कि अच्छा अच्छा प्रोफेशन का आदमी भी इसमें इंटर हो रहा है, हाँ दादा एकदम में आ रहा है एकदम, नॉट ओनली फॉर पुलिस आपका एडवोकेट बहुत ऐसा प्रोफेशन का आदमी जुड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको पैसे का रिक्वायरमेंट, वो शौक से जुड़ रहा है, आप अगर उसको शौक कोई डिमोटिवेट कर सभी समझ में आ रहा है दादा, जो इससे अच्छा एंटरटेनमेंट रिफ्रेशमेंट हाँ इन्वॉल्वनेस और कुछ नहीं है, ये समझ के ही आ रहा है दादा हाँ, बाकी तो ऊपर से भी इसका फाइनेंशियल सपोर्ट भी फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो
सबके साथ फाइनेंशियल सपोर्ट, सेकेंडरी है, ऐसा प्राइमरी नहीं हो सकता लेकिन सेकेंडरी है, है राइट। ऐसा एक जगह है जहाँ पे आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, उसके बदले आप लाइफ टाइम जब तक आप जिंदा रख पाएंगे उसको रख पाओगे, और आपका टैलेंट के ऊपर वो आपको देते रहेगा। क्योंकि कोई भी आप सोच रहे हो ये कैसे पॉसिबल है, एक बर्ड का 5 साल का लाइफ स्पैन है, 6 साल का लाइफ स्पैन है अफ्रीकन में, लेकिन वो तो आपको जाते जाते बहुत सारा चिक्स लेके जाएगा, उसका कोई भी एक चिक्स रख दो फिर वो जनरेशन आगे बढ़ जाएगा, दैट मीन्स वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आपका लाइफ, आपका फ्यूचर में जो आएगा, आपका सन जो होगा, आपका चिल्ड्रेन जो होगा, वो भी उसको आगे लेके जा सकते हैं ओरिजिन को, राइट। अगर आप अच्छा फॉरेन में मैं देखा हूँ इस तरह से काम होता है ज़्यादा, जो बीडर है मतलब ओरिजिन मतलब बीडर है जो जेंस बाय जेंस काम करता है। यहाँ पे बहुत किसी को मालूम नहीं है, जिन लोगों के पास बाहर में आप फिलिपीन देखो, इंडोनेशिया बोलो, नीदरलैंड देखो, ये लोगों के पास कोई 50-60 जोड़ा ज़्यादा अफ्रीकन लवबर्ड नहीं होता। इन लोगों के पास तकरीबन एक नॉर्मल से नॉर्मल फार्म में भी 300 से 400 पेयर से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे 1,500-2,000 पेयर का कोई मतलब नॉर्मल एक कॉमन चीज़ है, कॉमन है, वो भी ज़्यादा म्यूटेशन, वो भी हाई म्यूटेशन। हाँ हाँ ठीक है। तो ये लोगों के पास पॉसिबल नहीं है कि पूरा बर्ड को पेरेंट्स फीडिंग में, एक्सपेंसिव बर्ड जो होता है ये लोग क्या करता है, एक आदमी नौकरी में रखा, 1-2-3 नौकरी में रखा, जिसका काम है डेली बेसिस में 8 आवर का, ये लोग एज अ जॉब पर्पस में, वो लोगों का काम है खाली बच्चे को हैंड फीड कराना। तो आप लोग कौन सा दुनिया में जी रहे हो, आप लोग अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो अपने आप में इम्प्रूवमेंट करो, ना कि एक दूसरे को छेड़खानी करो। तो इससे क्या होगा, आपका कम्युनिटी धीरे धीरे और डेवलप होगा। आज हम लोगों को अविनाश दा जैसे बोले कि तेल फैलो आपको देखना है सुनिद्धा, आज हम लोगों के पास नहीं है, आज हम मार्केट में पैसा लेके घूमते हैं तो पेलफेलो नहीं मिल रहा है। हाँ तो यहाँ पे मेरा कोई गलती, मेरे को मिलेगा मैं लेके आके ब्रीड करा के आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मिल ही नहीं रहा है तो हम कैसे आप लोगों को दिखाए, तो उसके लिए मिलना चाहिए। लेकिन अदर कंट्री में आप देखो इजीली अवेलेबल है, पेलफेलो डानफेलो इज़ नॉट अ बिग डील, ये कॉमन सा चीज़ है। मेरा लास्ट वीडियो में एक बाहर का ब्रीडर के साथ बात हुआ, बोलता है दादा आई वाज नॉट डीलिंग विद पेल फेलो राइट नाउ, सो व्हाट एवर यू हैव सर, ही सेड आई हैड ओनली डीलिंग विद द डन फेलो, हाउ मेनी पेयर यू हैव सर, ही सेड आई हैड अराउंड 150 पेयर इन फेलोज कैटेगरी स्प्लिट एंड विजुअल, 150 पेयर ओनली इन डन फेलो एंड स्प्लिट। सो आप सोचिए 150 पेयर बोल रहे हैं कि नॉट पेल फेलो, डोंट थिंक इट्स एन पेल फेलो, इट्स एन डन फेलो एंड देयर स्प्लिट्स। सो मैं वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा था तो मेरे को दिखाया उसका एवियरी का कुछ बर्ड्स मेरे को दिखाया, जो देख के ही मतलब होश उड़ गया। तो हम बोले इफ़ पॉसिबल, इफ़ आई कूडन पॉसिबल सो आई कैन गेट इट फ्रॉम फ्यू पीसेस, सो उसने मेरे को बोला नो इशू यू कैन कम एनी टाइम। सो वो मेरे को मजाक से बोला इफ़ योर कंट्री गिव परमिशन सो यू कम फर्स्ट एंड टेक व्हाट एवर यू वांट, तो उसके लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको भी मालूम है इसका कंट्री में ये परमिशन नहीं है, इंपोर्ट नहीं हो सकता। तो मेरे को जोक्स अपार्ट में ही बोला, लेकिन बोला तो मेरे को काफ़ी ख़राब लगा। तो ये मेरे पास आज अगर ऑथोराइज होता तो हम भी लेके आके यहाँ पे ब्रीड करा के दिखा सकता, हम नहीं तो कोई और कर सकता, सही है। लेकिन आज ये अपॉर्चुनिटी हम लोग ये अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज हम सबको मिलके ज़्यादा करना है, सब अगर एक साथ जाएंगे दादा एक दिन दादा हम भी इस जगह पे आएंगे दादा, ये सबको देना पड़ेगा ये सबको ओवरकम करना ही पड़ेगा। काल में ड्यूरिंग कोविड में अभी जॉब का उतना नहीं रहा, मैक्सिमम लोग इतना आदमी इस ईयर में बर्ड फील्ड में आ गया, ये लोग अपने आप को फ्यूचर देखने लगा है, सोचने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था दादा, ये सोचना भी बहुत पहले बोला जैसे पहले हम लोग अगर बर्ड्स पालते थे क्या बर्ड्स पालता है वैसे तो उसका रिएक्शन ही आ रहा है आपने कहा तो इस बात को यही खत्म करते हैं फ्रेंड्स, काफी इम्पोर्टेंट चीज जानने को मिला सुदीप दा से।